My dear student, welcome to Bala Biology World. Today we will be discuss about super class species. ठीक, तो ये जो super class species है इसको actually बोलेंगे true fish, right? और ये जो super class है ये आता है section Nathostomata के अंदर, Nathostomata सेक्शन के अंदर आता है सुपर क्लास फिशेस, और सुपर क्लास फिशेस में जो फिश आता है उसको बोलेंगे ट्रू फिश, राइट। तो देखिए बच्चों, ये जो सुपर क्लास फिशेस है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस। ठीक, तो पहला वाला जो क्लास है उसका नाम है प्लैकोडर्मी, राइट। और ये प्लैकोडर्मी का खासियत यह है कि इनमें जितना भी स्पीशीज था सारा लोग एक्सटिंक्ट हो चुका है, सब लोग मर गए होंगे और फॉसिल हो गया, तो इसको इसका एक भी कॉपी आज के डेट में दुनिया में अर्थ में जिंदा नहीं है। ठीक, तो एक फॉसिल मिला, उसका एक इम्पोर्टेंट नाम है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, इसका एक स्पीशीज है जिसका नाम क्लाइमेटियस, CLIMATIUS, ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्लैकोडर्मी है ये क्लास को हमको पढ़ना नहीं है। ठीक, दूसरा और दो जो क्लास है उसमें हमको फोकस करना पड़ेगा। तो पहला वाला है कॉन्ड्रिक्थिस, CHONDRICH, कॉन्ड्रिक्थिस। एंड जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लास है उसका नाम है ओस्टिक्थिस, OSTEICHTHYES, ओस्टिक्थिस। ठीक, तो ये जो कॉन्ड्रिक्थिस है इसको एक्चुअली हम बोलेंगे कार्टिलेजिनस फिश। कॉन्ट्रिक्थिस को हम बोलेंगे कार्टिलेजिनस फिश बिकॉज दिस कॉन्ट्रिक्थिस स्केलीटन, एंडोस्केलीटन इज प्योरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या है, जैसे कि अपना नाक का टिप में, नोज का टिप में, एंड अपना जो ईयर है एक्सटर्नल ईयर, ठीक, इसको अगर पकड़ेंगे तो देखना थोड़ा सा दबाया इसको तो फोल्ड हो जाता है, नाक का टिप ऐसे ऐसे हिलाया तो ये हिलता है, तो ये जो बोन है इसको क्या बोलेंगे, कार्टिलेज, एंड कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल। तो इस तरह का बोन से, कार्टिलेजिनस बोन से जो फिश का एंडोस्केलेटन बनेगा उसको हम किसके अंदर रखेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक, और दूसरा जो ग्रुप है ओस्टिक्थिस, ओस्ट मतलब होता है बोन, मतलब ये जो फिश है, फिश का जो एंडोस्केलेटन मतलब कांटा वगैरह, ये क्या हो जाएगा, ऑसिफाइड हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, राइट। तो इसको बोलेंगे बोनी फिश, क्या बोलेंगे बच्चों, बोनी फिश, राइट। तो आज हमको स्पेशली किस में फोकस करना है बताइए बच्चों, आज हम सीखेंगे कॉन्ड्रिक्थिस एंड सम जनरल कैरेक्टर ऑफ फिशेस, राइट। तो इसके पहले हम सबसे पहले जान लेते कि जो है जनरल कैरेक्टर ऑफ फिश, जनरल कैरेक्टर कैसे होता है। देखिए, जो फिश का बॉडी है, बॉडी ऑफ फिश इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, बॉडी ऑफ फिश इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। नंबर वन इट इज हेड, नंबर टू इट इज ट्रंक, एंड नंबर थ्री इट इज कॉल्ड टेल। ठीक, अब ये आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। देखिए बच्चों, ये मैं एक फिश का डायग्राम बनाया यहाँ पर,
राइट। एक फिश है, फिश का जनरल कैरेक्टर हम देखने के पहले एक फिश ड्रॉ करना जरूरी है। तो ये जो फिश का ऊपर में ऊपर का सरफेस, इसको डोर्सल साइड बोलेंगे और नीचे का सरफेस को क्या बोलेंगे, वेंट्रल साइड, राइट। और फिन में फिश जो है, फिश में एक स्पेशल खासियत क्या होता है, इसमें पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन रहता है, ठीक। तो देखिए कौन सा पेयर्ड फिन है, कौन सा अनपेयर्ड फिन है, ये भी मैं क्या करता हूँ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैं फिश बना लेता हूँ, राइट। ये हुआ एक जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ फिश। अब देखिए फिश का बॉडी, बॉडी में भी कवर्ड विथ स्केल और मे नॉट बी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्केल बना दिया उसका, ठीक। तो ये जो पार्ट है फिश का, इसको बोलेंगे हेड। क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो पार्ट, इसको हेड बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है, इसको बोलेंगे ट्रंक, टी आर यू एन के, ट्रंक। और ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, टेल, टेल बोलेंगे, राइट। इसके साथ साथ फिश का जो फिश का हेड है, उसमें क्या रहेगा, यहाँ पर माउथ रहेगा। ये बताने वाला बात नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये आई रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिश में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन रहेगा। जैसे कि ये जो फिन है यहाँ पर दिख रहा है, ये फिन इधर भी दिखेगा और उस साइड में भी है, ठीक, जो हमको बोर्ड के वजह से दिख नहीं रहा है। तो ये जो फिन है, इसका नाम मैं बता देता हूँ, ये जो फिन है इसको बोलेंगे पेयर्ड फिन। और इस फिन का पार्टिकुलर नाम है पेक्टोरल फिन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, पेक्टोरल फिन, एंड इट इज पेयर्ड, पेयर्ड फिन, राइट। अब देखिए यहां पर एक्चुअली ये जो जगह दिख रहा है, एक्चुअली यहां पर दो फिन रहता है, दो फिन रहता है। और ये फिन का जो नाम है, इसका नाम है पेल्विक फिन। क्या नाम है बच्चों इसका बताइए, इसका नाम है पेल्विक फिन। और ये जो पेल्विक फिन, ये भी किस तरह का नेचर है इसका, ये भी पेयर्ड फिन है, ठीक, दो रहता है। अब देखिए, और ये डोर्सल साइड में यहाँ पर एक फिन दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये एक फिन है। तो इसको सिंपली क्या बोलेंगे, डोर्सल फिन, डोर्सल फिन। एंड लास्ट यहाँ पर साइड में ये टेल पोर्शन में एक और एक फिन दिख रहा है, इसको बोलेंगे कॉडल फिन। कॉडा इक्वल टू टेल, मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, तो इसको बोलेंगे कॉडल फिन, राइट। और एक फिन बच गया है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, ये जो फिन है, इसका जस्ट यहाँ पर साइड में ये जगह पे क्या रहता है, एनस, फिश का एनस रहता है, एनस रहता है। तो ये जो फिन है, इसको पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एनल फिन। क्या बोलेंगे बच्चों, एनल फिन, राइट। ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर। अब देखिए फिश का बॉडी, बॉडी ऑफ फिश मे बी कवर्ड विथ स्केल, मे नॉट बी, राइट। कवर्ड भी रह सकता है स्केल से, इस तरह का स्केल से, और कवर्ड नहीं भी रह सकता है। अगर फिश का बॉडी स्केल से कवर्ड रहा, ठीक है, स्केल, एस सी ए एल, एस सी ए एल ई, स्केल से अगर कवर्ड रहा, तो यहाँ पर चार तरह का स्केल रह सकता है, ठीक। कितना तरह का बच्चों, चार तरह का स्केल रह सकता है, मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो रह सकता है साइक्लॉइड स्केल, कौन सा बच्चों, साइक्लॉइड स्केल। दूसरा जो है रह सकता है प्लैकॉइड स्केल, प्लैकॉइड स्केल। तीसरा जो है टाइप, ये रह सकता है टीनोइड स्केल, सी टी ई एन ओ आई डी, टीनोइड स्केल। ये सी का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट रहेगा बच्चों, टी से प्रोनाउंस होगा, तो क्या होगा, इसको टीनोइड स्केल बोलेंगे। एंड लास्ट वन इज गैनोइड स्केल, गैनोइड स्केल, राइट। जनरली ये चार तरह का फिन, चार तरह का जो है स्केल से फिश का बॉडी कवर्ड रहेगा, और जिसमें फिन, फिन नहीं, जिसमें स्केल रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, स्केल, एस सी ए एल ई, स्केल। जिसका जो फिश का बॉडी स्केल से कवर्ड रहेगा, उसमें जनरली ये चार तरह का स्केल दिखाया जाता है। मैं फिर से एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ, साइक्लॉइड स्केल, प्लैकॉइड स्केल,
टीनोइड स्केल एंड गैनोइड स्केल, ठीक। और कुछ फिश होता है जिसका बॉडी में कोई भी क्या नहीं होता, बताइए, स्केल नहीं होता। बात समझ में आ गया बच्चों? हाँ तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये डोर्सल साइड में क्या रहता है, डोर्सल फिन, ये डोर्सल फिन, और टेल, टेल में क्या रहता है, इसको बोलते हैं कॉडल फिन, कॉडल फिन, और एनस के साइड में ये क्या रहता है, एनल फिन, ठीक। और ये जो तीन फिन है, डोर्सल फिन, कॉडल फिन एंड एनल फिन, ये तीन फिन को बोलते हैं अनपेयर्ड फिन, ठीक। ये सिंगल ही रहता है इसका बॉडी में, पर ये जो पेल्विक फिन, ये वाला पेल्विक फिन एंड पेक्टोरल फिन, ये क्या होता है, ये दोनों होता है पेयर्ड फिन, पी ए आई आर ई डी, पेयर्ड फिन, ठीक। एंड ऑन मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, दिस फिन, एनी फिन, मे बी पेल्विक, मे बी पेक्टोरल, मे बी एनल फिन, मे बी कॉडल फिन, मे बी डोर्सल फिन, एनी काइंड्स ऑफ फिन इज सपोर्टेड बाई फिन रे, एनी काइंड्स ऑफ फिन इज सपोर्टेड बाई फिन रे। आप पूछोगे कि सर फिन रे क्या है, देखिए ये फिन है और फिन में ऐसा ऐसा लंबा लंबा लाइन मिल रहा है, तो ये क्या है बताओ, सपोर्टेड सॉलिड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फिन रे। हर एक फिन देखिए ऐसा लंबा लंबा खींच दिया मैंने, तो इसको क्या बोलते हैं फिन रे। एंड फिन में फिन में नहीं, पूरा फिश का बॉडी में क्या रहता है, एक सेंसिटिव ऑर्गेन रहता है, ठीक, जिसका नाम है, क्या बताइए, इसका नाम लैटरल लाइन सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, लैटरल साइड में ये लाइन दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो लैटरल लाइन, ये क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक, इसको बोलते हैं लैटरल लाइन। कहाँ पर देखा है, ये इधर साइड में यहाँ पर दिखा दे रहा है, इसको बोलते हैं लैटरल, लैटरल लाइन, और ये क्या होता है, सेंसरी होता है, सेंसरी, सेंसरी होता है, वाटर का प्रेशर वगैरह वगैरह, ये इससे क्या करेगा, सेंस कर पाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो फिश है, फिश का जनरल कैरेक्टर यहाँ पर बता रहा हूँ, तो जनरली फिश इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, COLD, कोल्ड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब आप पूछोगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरनमेंट में जिस तरह का टेम्परेचर रहेगा, फिश का बॉडी टेम्परेचर उसी तरह का हो जाएगा, मतलब दे कैन नॉट मेंटेन देयर कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग का जनरल बॉडी टेम्परेचर कितना मिलता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस, एक कांस्टेंट रहता है, चाहे आपको ह्यूमन बींग को अगर लद्दाख लेके गए ठंडा के रीजन में, ठीक है, जहाँ पर 0 डिग्री के नीचे रहता है टेम्परेचर, तो वहाँ पर भी आपका बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको महाराष्ट्र में लेके आया या वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लेके आया, जहाँ पर टेम्परेचर का क्या है, कभी कभी 50 डिग्री टच कर जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, तो अपना बॉडी टेम्परेचर ये टेम्परेचर में भी क्या रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, वी कैन मेंटेन आवर कोर बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हम एनवायरमेंट में कितना भी फ्लैक्चुएशन हो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, बट दे कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर ऑल्सो कॉल्ड पोइकिलोथर्मिक एनिमल, पोइकिलोथर्मिक एनिमल, तो ये आपको घुमा के भी बोल सकता है। और पोइकिलोथर्मिक एनिमल को और भी एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक एनिमल, एक्सोथर्मिक एनिमल, राइट, जो खुद का बॉडी टेम्परेचर क्या है, मेंटेन नहीं कर सकता, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो उस तरह का एनिमल को क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, या तो पोइकिलोथर्मिक एनिमल, या तो एक्सोथर्मिक एनिमल, राइट। अब देखिए दूसरा बात क्या है बच्चों, कि ये जो फिश है, फिश इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ऑफ फिश इज टेक्स प्लेस बाय गिल्स, गिल से ये फिश का रेस्पिरेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं देखा था कि गिल किसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर गौर से देखिए, ये मैं एक फिश का
हेड पोर्शन बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, हेड पोर्शन, राइट। ये देखिए मनी की ये एक फिश का हेड है, जस्ट यहाँ पर दिखाने का कोशिश करो, तो ये हेड है, अब जस्ट मानिए, तो ये हो गया उसका माउथ, ठीक। तो हेड में ऐसे मैंने एक लाइन बनाया, अब देखिए ये लाइन जो है इसको बोलते हैं ऑपरकुलम, OPERCULUM, ऑपरकुलम, ठीक। तो ऑपरकुलम को अब अगर आप इस तरह से पकड़ के इस तरह से खींचा ऊपर, तो आपको रेडिश स्ट्रक्चर देखेगा, रेडिश स्ट्रक्चर, ठीक। तो मानिए कि हमने क्या करा, ऑपरकुलम को इस तरह से कट कर दिया, ऑपरकुलम को क्या कर दिया बताइए, इस तरह से कट कर दिया। तो अगर ऑपरकुलम को कट कर दिया तो हमको ये ऑपरकुलम के अंदर दिख जाएगा, तो अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पाया जाएगा, पिंकिश कलर स्ट्रक्चर इस तरह का पाया जाएगा, ठीक है। मैं रेड दिखा रहा हूँ पर एक्चुअली है पिंक कलर का स्ट्रक्चर, यहाँ पर दिखता है इस तरह का स्ट्रक्चर देखेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, आप अगर फिश मार्केट गया कभी, मैं तो बंगाली हूँ, मैं कभी भी फिश के बिना खाना नहीं खाता, तो मैं जाता हूँ, तो ये आप भी अगर फिश मार्केट में गया, फिश करते हुए देखा, तो आपको ये ऑपरकुलम अगर हटा देंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, राइट। तो ये जो है इसको बोलेंगे गिल, क्या बोलेंगे बच्चों, गिल, राइट। तो ये गिल के थ्रू क्या करता है, फिश जो है ये रेस्पिरेशन कर लेता है, बात अच्छे से दिमाग में डाल लेना और समझ भी लेना, राइट। और फिश का ये देखिए आई है, IEYE, तो आई मैं दिखाने का जरूरत नहीं रहता, फिर भी यहाँ पर देखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में आपको पीछे पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो फिश है ये कहाँ पर रहता है, आपको एक कविता याद होगा, मछली जल का रानी है, जीवन उसका पानी है, तो ये पानी में रहने वाला है, इसलिए क्या है, इसका आई में एक स्पेशल प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, जिसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड इन फिश आई, एंड दिस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्ट द आई ऑफ फिश, राइट। ये बात याद रखना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, राइट। अब देखिए और कुछ बातें हैं जो जनरल कैरेक्टर में आपको झेलना पड़ेगा, और आप ये जिंदगी भर के लिए याद रखो, ये मेरा गुजारिश है आपसे, ठीक। देखो, दे हैव लेटरल लाइन सिस्टम एंड इट इज सेंसरी, यहाँ पर मैंने बताया आपको, ठीक। एंड जनरली फिश इज ओवीफेरस, जनरली क्या होता है बच्चों, फिश इज ओवीफेरस रहता है, ये ओवीफेरस रहता है, मतलब ये क्या देता है, अंडा देता है, एग ले, दे ले लॉट्स ऑफ एग, ठीक। पर कुछ फिश जो है ये ओभो विविफेरस भी होता है एंड विविफेरस भी होता है, जैसे कि ओभो विविफेरस फिश में एक एग्जांपल मैं आपको बता के दे रहा हूँ, जिसका नाम है शार्क, ठीक है बच्चों। तो ये गया आपका क्या है, जनरल कैरेक्टर ऑफ फिश। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कॉन्ड्रिक्टिस, क्लास कॉन्ड्रिक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि कॉन्ड्रिक्टिस जो फिश है, दे आर बॉडी एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिश, क्या बोलेंगे बच्चों, कार्टिलेजिनस फिश, राइट। और मैंने कार्टिलेज के बारे में आपको बताया कि नाक का टीप में, कान में क्या रहता है, ये जो फ्लेक्सिबल बोन रहता है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो देखिए बच्चों, ये जो कॉन्ड्रिक्टिस है, ये जो क्लास है इसके अंदर करीबन 600 क्या मिलेगा आपको, स्पीशीज मिल जाएगा, राइट। और इसका बॉडी जो है, बॉडी कॉन्टेन माइन्यूट फ्लैकोइड स्केल, बच्चों थोड़ी देर पहले आपको स्केल के बारे में बताया था कि फिश का बॉडी अगर क्या रहता है, कोई स्केल से कवर्ड रहता है, तो वो जो स्केल है वो चार तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर आप बड़ा ध्यान से याद रखिएगा कि जो कॉन्ड्रिक्टिस है, बॉडी ऑफ कॉन्ड्रिक्टिस इज कवर्ड बाय माइन्यूट प्लैकोइड स्केल, राइट। मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, बॉडी ऑफ कॉन्ड्रिक्टिस, यहाँ पर
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों, बार बार कॉन्ट्रिक्टिस लिखना ठीक नहीं रहेगा। देखिए बॉडी कॉन्टेन माइन्यूट प्लैकोइड स्केल, बॉडी कॉन्टेन माइन्यूट प्लैकोइड स्केल, ये याद रखिएगा बच्चों, प्लैकोइड स्केल राइट, SCALE। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा ये किस तरह का स्केल पाया जाता है कॉन्ड्रिक्टिस में, तो आप बताएंगे प्लैकोइड स्केल। और ये किस तरह का रहता है, माइक्रोस्कोपिक, इसलिए क्या बताया, माइन्यूट बता दिया। और ये जो प्लैकोइड स्केल है ये क्या होता है बच्चों, इट इज डर्मल इन ओरिजिन, डर्मल ओरिजिन। अब जानते ओरिजिन, डर्मल ओरिजिन, और आप जानते डर्म मतलब क्या होता है, स्किन, ठीक। तो बॉडी का ऊपर का जो कवरिंग स्किन है वहां से क्या होता है, अपर लेयर से ये स्केल जो है ये ओरिजिन होता है। और ये क्या रहता है, नेचर में माइन्यूट, बहुत माइक्रोस्कोपिक रहता है और एक ब्लैक व्हाइट स्केल से ढका हुआ रहता है। अब देखिए गिल आर नॉट कवर्ड बाई ऑपरकुलम, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गिल रहता है फिश में और गिल इज कवर्ड बाई ऑपरकुलम, मैंने ड्रॉ करके भी बताया था, बट दिस कॉन्ड्रिक्टिस हैव नो ऑपरकुलम, दैट्स मीन दे हैव ओपन गिल राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया और आगे भी पूछते जाएंगे। गिल आर नॉट कवर्ड बाय ऑपरकुलम, ऑपरकुलम याद रखिएगा बच्चों। अब ये इसके साथ साथ आपको मुझे डायग्राम दिखा देना चाहिए, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं एक कॉन्ड्रिक्टिस का डायग्राम बना के दे रहा हूँ आपको, ठीक। बड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, ये है एक कॉन्ड्रिक्टिस फिश राइट, देखिए ये टेल बनाया उसका और यहाँ पर इसका आई है, चलो आई जो है थोड़ा सा ब्लैक कलर से बनाता हूँ, ये इसका आई है। तो बच्चों ये फिश देख के आप बता सकते हैं ये कौन सा फिश है, देखिए ये शार्क है बच्चों, ये कौन है बताइए, ये है शार्क, आपने नाम तो सुना होगा, बड़ा डेंजरस फिश है ये शार्क फिश, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर आपको गिल स्लिट्स दिखेगा, एक्सटर्नल गिल, और कोई भी यहाँ पर आपको ऑपरकुलम दिखने को नहीं मिलेगा। और ये जो है ये फिन है, एक कौन सा ये फिन है, यहाँ पर एक और फिन रहता है वेंट्रल पोजीशन में, और एनस के साइड में यहाँ पर एक और फिन रहता है। तो ये हुआ कौन सा बताइए, शार्क। और यहाँ पर कौन सा लाइन डेवलप होगा, सेंसरी लेटरल लाइन इज प्रोमिनेंट ऐसा, तो ये शार्क है। तो शार्क जो है फिश ये किसके अंदर आता है, ये आता है कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर राइट। तो देखिए ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि गिल इज नॉट कवर्ड बाय ऑपरकुलम, देखिए जो फिश प्रीवियस मैंने ड्रॉ करा था उसमें मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया था पर उस जिसको नाम दिया था ऑपरकुलम, पर ये जो कॉन्ड्रिक्टिस है यहाँ पर कोई भी ऑपरकुलम नहीं है और गिल आपको ऐसे बाहर से नजर आएगा, ये क्या हुआ गिल स्लिट, गिल स्लिट्स। तो ये हो गया इसका डोर्सल फिन और ये हो गया इसका वेंट्रल फिन। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आप कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इसका एक्सटर्नल गिल रहता है, कवर्ड नहीं रहता ऑपरकुलम से, दूसरा इसका जो टेल है ये कैसा रहता है, देखिए दो तरह का टेल है, मतलब मैंने सेम दो लोब नहीं बनाए, एक लोब को बड़ा बनाया एक लोब को छोटा बनाया, तो इस तरह का जो टेल है इसको बोलेंगे हेटेरो सर्कल टेल, क्या बोलेंगे बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट, हेटेरो सर्कल टेल, दैट्स मीन टू लोब ऑफ कॉडल फिन आर नॉट इक्वल, नॉट सेम, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इस तरह का टेल को क्या बोलेंगे, हेटरोसर्कल टेल। और अब फिश का टेल अगर इस तरह का होता तो आप उसको क्या बोलते थे बताइए, उसको बोल देते थे होमोसर्कल टेल, देखिए एक जैसा है
इस तरह का अगर फिश का टेल होता तो इसको क्या बोलता, होमो सर्कल टेल। पर कॉन्ड्रिक्टिस में क्या रहेगा, हेटेरो सर्कल टेल आपको दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आया। दूसरा देखिए, वेल डेवलप्ड एंड वेंट्रली प्लेस माउथ और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है। देखिए जनरली फिश का माउथ कहाँ पर रहता है, ये टिप में रहता है, पर देखिए वेंट्रल पोजिशन, नीचे का पोजिशन में इसका क्या है, माउथ है। तो ये क्या हुआ, वेंट्रली प्लेस माउथ, राइट। ये कॉन्ड्रिक्टिस का खासियत है जो बता रहा हूं बच्चों, है ना। और नेक्स्ट कैरेक्टर आप यहां पर देखने जा रहा है क्या बताओ, कॉडल फिन आर हेटेरो सर्कल, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, राइट। यहां पर देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपके लिए लेके आ रहा हूं कि हार्ट इज टू चेंबर, दे हैव हार्ट, राइट। एंड हार्ट ऑफ दिस फिश इज हाउ मेनी चेंबर, दे मेड अप ऑफ टू चेंबर। तो यहां पर मैं हार्ट को थोड़ा सा आपके लिए ड्रॉ करना चाहूंगा। देखिए ट्रू चेंबर हार्ट जो है, यहां पर ट्रूली फिश का हार्ट में दो चेंबर होता है, राइट। दो चेंबर ट्रू चेंबर होता है, जिसका एक का नाम ओरिकल एट्रियम, दूसरा जो हार्ट का चेंबर है ट्रू चेंबर उसका नाम है वेंट्रिकल, राइट। तो ये है आपका एट्रियम, इसका नाम क्या है, एट्रियम, एट्रियम या ओरिकल एट्रियम। और आगे यहाँ पर एक और चेंबर ड्रॉ करना चाहूँगा जिसका नाम है वेंट्रिकल, इसका नाम क्या है, वेंट्रिकल। ट्यूबुलर हार्ट होता है बच्चों, इसका नाम होता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। तो ये दो ही चेंबर फिश का हार्ट में ट्रू चेंबर होता है, ठीक। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके बताया गया कि हार्ट ऑफ फिश इज हाउ मेनी चेंबर, टू चेंबर, नंबर वन ए और नंबर टू ए, दो ट्रू चेंबर है। पर फिश का बॉडी में जो हार्ट है उसमें दो और एक्सेसरी चेंबर रहता है, और दो क्या रहता है बच्चों, एक्सेसरी चेंबर पाए जाते हैं, ठीक। जिसको एक को बोलेंगे साइनस वेनोसस और एक को क्या बोलेंगे, कोनस आर्टेरियोसस, राइट। यहाँ पर ये है, ऐसा बना दिया। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो चेंबर दिख रहा है ये फॉल्स चेंबर है, मतलब ट्रू चेंबर नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, ये चेंबर को बोलेंगे साइनस वेनोसस, याद रखिए बच्चों, साइनस, साइनस वेनोसस, ठीक। और ये क्या है, एक एक्सेसरी चेंबर है। और यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सेसरी चेंबर बनाया, इसका नाम है कोनस आर्टेरियोसस, क्या नाम है बच्चों, कोनस आर्टेरियो सस, ठीक। तो यहाँ पर ये भी बात आपको याद रखना है कि कोनस आर्टेरियोसस एंड साइनस वेनोसस इज एक्सेसरी चेंबर, एंड व्हिच वन इज ट्रू चेंबर, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल इज ट्रू चेंबर। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ ब्रांच बनाया मैंने, ये क्या है, एक्चुअली यहाँ पर फिश का हेड रहता है, ये जो जगह है ना, यहाँ पर फिश का हेड रहता है, ठीक। ये जगह पे जस्ट मैं डायग्राम के थ्रू ऐसे प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ पर फिश का हेड रहता है। तो ये पोर्शन में क्या रहेगा, गिल, ऑब्वियसली ये क्या है, गिल, ठीक। और आप जानते हैं गिल से क्या करता है, फिश रेस्पिरेशन करता है। अब देखिए फिश जब क्या करा, मुंह के अंदर पानी लिया और पानी के साथ क्या आया, ऑक्सीजन आया, ठीक। और ऑक्सीजनेटेड जो वाटर है वो गिल के ऊपर से चला दिया। तो यहाँ पर गिल में क्या है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स वगैरह रहता है, तो गिल से क्या करता है, ऑक्सीजन क्या आ जाता है, बॉडी में आ जाता है। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, पूरा बॉडी में घूम रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ पर, ये कौन सा चेंबर है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉडी है फिश का, ये जो जगह है ये माउथ है, और ये साइड में क्या है, पूरा बॉडी है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, बॉडी में चला गया, थ्रू आउट द बॉडी में चला गया। और टिश्यू, फिश का बॉडी में जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या बना दिया, ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ गया बताइए, ये आ गया पहले साइनस वेनोसस में, तो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक। साइनस वेनोसस से ये ब्लड कहाँ पर चला गया, ये चला गया एट्रियम में, एट्रियम से ब्लड कहाँ चला गया, ये चला गया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला गया, ये गया कोनस आर्टेरियोसस में, ये गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर जाके ये मुंह से पानी लिया और यहाँ पर आके क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, ये क्या हुए बताइए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, ये पूरा बॉडी में
फिर से घूम गया और फिर बॉडी उसको यूटिलाइज करके फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू करा, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, फिश का बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन होता है। अब देखिए ये जो हार्ट है इसके थ्रू सिर्फ एक ही डिरेक्शन में ब्लड जा रहा है, ठीक, एक ही डिरेक्शन में ब्लड जा रहा है, यही डिरेक्शन में। तो ये जो फिश का हार्ट है इसको बोलते हैं यूनिडिरेक्शनल हार्ट, यूनिडिरेक्शनल, और आप देख रहे हैं कि फिश का बॉडी में किस तरह का, फिश का हार्ट में किस तरह का ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक। तो इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है फिश के हार्ट के थ्रू, इसलिए फिश का हार्ट को क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क्स लगा दिया, ये एकदम फुर्ती से याद रखना। बच्चों यहाँ तक समझ में आया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सीन क्लियर है, राइट। तो बच्चों और एक बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है कॉन्ड्रिक्टिस का। देखिए ये जो माउथ है ये तो वेंट्रली प्लेस है और दे हैव very strong and well developed jaw. देखिए ये शार्क का जो जबड़ा है ये बड़ा strong and well developed है, राइट। और एक खास कैरेक्टर यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये देखना सील वील को, सील जो है इसका पसंदीदा शिकार है, इसको मार के खा जाता है, इवन मतलब कुछ दूसरा एनिमल को भी ये अटैक कर लेता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव ट्रैक लीड्स इनटू क्लोएका, ये याद रखिएगा बच्चों, डाइजेस्टिव ट्रैक लीड्स इनटू क्लोएका, CLOACA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। इसका मतलब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन इनटू क्लोएका, क्लोएका बोल के एक मतलब चेंबर रहता है जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम जाके क्या होता है, ओपन होता है। अब मैं बताता हूँ कि क्लोएका क्या है, ठीक। देखिए यहाँ पर मैं एक चेंबर ड्रॉ कर रहा हूँ, मानिए कि ये क्लोएका है, ठीक, जस्ट मानिए, मैं मानने के लिए बोला, ये जो है क्लोएकल चेंबर, क्लोएका, CLOACA, क्लोएका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए क्लोएका का एक खासियत है, क्लोएका में तीन जो है ट्रैक यहाँ पर क्या होता है, ओपन होता है। एक तो ये क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये डाइजेस्टिव ट्रैक ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओपन हुआ। तो डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू क्या आएगा, यहाँ पर फीकल मैटर जमा होगा, ठीक, ये फीकल मैटर है, फीकल मैटर जमा हुआ, और एक ट्रैक यहाँ पर ओपन होगा जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कौन सा बताइए, जेनिटल डक्ट, ठीक, ये मानिए कि क्या है, जेनिटल डक्ट, ठीक, ये हो गया गोनाड, ये क्या हो गया, ये गोनाड है, GONAD, और गोनाड क्या है, गोनाड टेस्टिस भी हो सकता है, ओवरी भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, स्पर्म क्या होगा बताइए, ये जगह पे, ये चेंबर में कलेक्ट होगा, ठीक, ये मानिए स्पर्म में ओवम। तो ये जो ट्रैक्ट है इसको बोलेंगे कौन सा बताइए, इसको बोलेंगे हम जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक। और एक चेंबर यहाँ पर, और एक ट्रैक्ट ये जगह पे ओपन होगा जिसका नाम है यूरिनरी डक्ट, क्या नाम है बच्चों, यूरिनरी डक्ट, मानिए कि ये फिश का किडनी है, राइट, जस्ट इस तरह का नहीं होता फिर भी मैंने बता दिया, किडनी से क्या होता है, यूरिनरी डक्ट क्या होता है, मतलब यहाँ पर क्या जमा होगा, यूरिन भी जमा होगा। तो ये तीन तरह का डक्ट क्या होता है, क्लोएका में कॉमनली क्या होता है, ओपन होता है, ठीक। तो जब तीन ट्रैक इस तरह का एक कॉमन चेंबर में ओपन हो रहा है तो वो चेंबर को हम क्या बोलेंगे, क्लोएका बोलेंगे।
ठीक, तो ये बात याद रखना। तो कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होता है, एक क्लोए का प्रेजेंट रहता है, और कुछ और एनिमल भी है आगे जाके बात करेंगे उसमें भी क्लोए का प्रेजेंट रहता है, जैसे कि बर्ड्स होता है, रेप्टाइल्स होता है, इसमें क्या होता है क्लोए का प्रेजेंट रहता है, एज वेल एज ये जो कॉन्ड्रिक्थिस है इसमें भी क्या रहता है बताइए, क्लोए का प्रेजेंट होता है। तो ये एक सीन आपको क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब देखिए आगे। तो बच्चों और एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताना चाहिए ही चाहिए। देखिए ये जो है इसको क्या बोलते हैं, गिल, गिल स्लिट, राइट, गिल्स बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया कॉन्ड्रिक्थिस में कि गिल्स आर नॉट कवर्ड बाई ऑपरकुलम ऑल कॉन्ड्रिक्थिस बट एक्सेप्ट वन कॉन्ड्रिक्थिस जिसका नाम क्या है, काइमेरा, CHIMERA, काइमेरा बोल के एक कॉन्ड्रिक्थिस का फिश है जिसमें क्या है गिल ऑपरकुलम से कवर्ड रहेगा, ये एक्सेप्शन है। और आप जानते हैं कि एक्सेप्शन क्या रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। सम मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अबाउट कॉन्ड्रिक्थिस, दे हैव वेल डेवलप रेनाल पोर्टल सिस्टम, दे हैव वेरी वेल डेवलप रेनल पोर्टल सिस्टम। तो अभी पूछोगे कि सर रेनल पोर्टल सिस्टम क्या है, मानिए कि ये फिश का किडनी है, ठीक, जस्ट मानने के लिए बताया बच्चों, मानने के लिए क्या जाता है, ये किडनी है। तो किडनी में चाहिए ब्लड सप्लाई, क्या चाहिए बताइए, ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ये किडनी का जो ब्लड सप्लाई है ये कोई ना कोई आर्टरी या वेन के थ्रू आ रहा है, ठीक, और डायरेक्ट जाके ये हार्ट में ओपन नहीं होता, ये दूसरा कोई ऑर्गन में ओपन होता है। तो ये जे जो ब्लड वेसल है, आर्टरी या वेन है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, रेनल रेनल पोर्टल सिस्टम, ठीक। और ये क्या है, ये शख्स है किडनी, KIDNEY, किडनी, ठीक। तो किडनी में जो ब्लड कैरी करके लेके आता है या कैरी करके लेके जाता है वो जो सिस्टम है वो जाके डायरेक्ट हार्ट में ओपन नहीं होता, कोई दूसरा ऑर्गन में ओपन होता है जिसको क्या बोलते हैं, रेनल पोर्टल सिस्टम। एंड दिस कॉन्ड्रिक्थिस हैव मेसोनेफ्रिक किडनी, दे हैव कॉन्ड्रिक्थिस हैव विच टाइप ऑफ किडनी, दे हैव मेसोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक किडनी, KIDNEY। और एक नया टर्म आपके लिए आ गया, मेसोनेफ्रिक किडनी मीन नेफ्रिक, नेफ्रिक मीन दे आर किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन, राइट, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, ये भी याद रखिएगा, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। एंड दिस नेफ्रॉन इज नॉट सो हाईली डेवलप एंड नॉट पुअरली डेवलप, दे आर मीडियम, मीडियम डेवलप, राइट। ये जो किडनी है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप भी नहीं है, बहुत पुअरली डेवलप भी नहीं है। तो इस तरह का किडनी को क्या बोलते हैं, मेसोनेफ्रिक किडनी। तो इस तरह का कितना किडनी रहता है, कितना टाइप का किडनी है, तो मेसोनेफ्रिक किडनी मिल गया किसमें, कॉन्ड्रिक्थिस में। पर और दो तरह का किडनी मिलता है, जैसे कि ये कॉन्ड्रिक्थिस में नहीं मिलता पर किडनी आया ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और रहता है प्रोनेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी, प्रो मतलब क्या है, पहले, मतलब प्रिमिटिव किडनी, ये उतना हाईली डेवलप नहीं है। और एक तरह का किडनी रहता है जिसको बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी, मेटा नेफ्रिक किडनी, ठीक। तो मेटानेफ्रिक किडनी हमारे में रहता है, ह्यूमन बींग्स में या हाईली डेवलप एनिमल में, ठीक। तो ये सबसे एडवांस टाइप का किडनी है, ये सबसे पुअरली डेवलप किडनी है, और ये मीडियम डेवलप किडनी है जो कहाँ पर रहता है बताइए, मेसोनेफ्रिक किडनी, कॉन्ड्रिक्थिस में पाए जाते हैं। अब और कुछ करेक्टर यहाँ पर आपको पता कराना है जिसके बारे में मैं बताता हूँ, ब्रेन वी आर लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब, ये जो कॉन्ड्रिक्थिस है इसका ब्रेन क्या है, BRAIN, ब्रेन वी आर लार्ज ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब। और आप ये बात बड़ा गौर से जानते हैं बच्चों, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्शन मीन व्हाट, ऑल फैक्शन मीन इट हैव द कैपेसिटी, दिस लोब हैव द कैपेसिटी टू सेंस द स्मेल, ठीक, और स्मेल करने के लिए, स्मेलिंग का जो लोब है ये अगर बड़ा है
तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ड्रिक्थिस का जो स्मेलिंग पावर है इट इज वेरी वेरी कीन एंड शार्प, वेरी वेरी शार्प स्मेलिंग पावर, राइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब इन ब्रेन एंड दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व. हाउ मेनी पेयर्स? 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व. माथा जो है, माथा से जो माथा में जो ब्रेन है उसमें से कितना पेयर क्रैनियल नर्व निकलेगा? 10 पेयर क्रैनियल नर्व निकलेगा. एंड लैटरल लाइन सिस्टम इज वेरी वेरी वेल डेवलप, मैंने जो पहले ही आपको बता दिया. अब देखिए ये फिश में एक और खासियत रहता है, कॉन्ड्रिक्थिस जो है ना दे हैव नो एयर ब्लैडर, दैट्स मीन एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट. ठीक, ये ऑस्टिक्थिस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है और कॉन्ड्रिक्थिस में क्या है? एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है. अब आपको पता कराता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय एयर ब्लैडर. देखिए बच्चों, आप अगर मार्केट में कभी गए होंगे तो फिश को कटते हुए भी आपने देखा होगा, फिश को कटते हुए अगर देखा तो फिश के पेट के अंदर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक, बंदूक जैसा इस तरह का, तो इसको क्या बोलते हैं? एयर ब्लैडर. और एयर ब्लैडर के ऊपर क्या होता है? इस तरह का कुछ वेन्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल, इस तरह से क्या रहता है? इस तरह से सप्लाई रहता है, राइट. ये है एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर, ये जो है एयर ब्लैडर है. तो ये एयर ब्लैडर कभी भी कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक, ये बात आप गौर से याद रखिएगा. अब देखिए मैंने और भी बताया था कि ये मानिए कि कौन है, यहाँ पर फिर से मैं ड्रॉ करता, ये इसका हेटरोसर्कल टेल है, डोर्सल फिन है, डोर्सल फिन है, ये क्या है? वेंट्रल फिन, वेंट्रल फिन, वेंट्रल फिन. और यहाँ पर ये क्या है इसका? गिल्स. ये क्या है इसका बताइए? आई है. और यहाँ पर क्या रहेगा? बहुत शार्प टीथ रहता है शार्प में. ये हुआ इसका लैटरल लाइन सिस्टम जो बहुत ही स्ट्रांग है. अब देखिए ये पानी में रहने वाला है तो इसका जो आई है, आई में क्या रहेगा? वेल डेवलप निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. यहाँ पर क्या रहेगा? वेल डेवलप निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो आई को क्या करेगा? प्रोटेक्शन सर्व करेगा. बच्चों ये बात बड़ा शांति से और गौर से याद रखना, राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए. बच्चों अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे और उसके साथ दो चार कैरेक्टर आपको और बताना चाहेंगे. ये जो फिश है इसका इंटरनल जो यार है ये क्या करता है? बैलेंस मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक. तो ये बात आप याद रखिएगा कि इंटरनल यार ऑफ दिस कॉन्ड्रिक्थिस हेल्प फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस. इंटरनल यार क्या करता है? हेल्प फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस. बैलेंस मेंटेन करने के लिए और भी एक ऑर्गेन हेल्प करता है जिसको बोलते हैं लैटरल लाइन सिस्टम, जो अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक. तो ये पानी के अंदर इसको चलने के लिए हेल्प करता है. अब देखिए कुछ और फिश है जिसका क्या रहता है? कुछ स्पेशलाइज ऑर्गेन देखने को मिलता है. जैसे कि यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिश है जिसका नाम है टॉर्पेडो. टॉर्पेडो हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गेन, ELEC, इलेक्ट्रिक ऑर्गेन. दैट्स मीन टॉर्पेडो कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट. और ये बड़ा अमेजिंग कैरेक्टर है टॉर्पेडो का, मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके इसको दिखाना चाहूंगा, राइट. ये है एक फिश जिसका नाम क्या है? टॉर्पेडो, राइट. ये टॉर्पेडो है और इसका क्या है? फिन है, राइट. ये फिन है इसका, कॉडल फिन. और यहाँ पर ये जगह पे जो जगह है यहाँ पर इसका और एक फिन रहता है जिसको हम बोलेंगे पेल्विक फिन. ये पेल्विक फिन और ये फिन जो है फिन रे से सपोर्टेड है. ऊपर यहाँ पर क्या रहेगा इसका? डोर्सल फिन. ये डोर्सल फिन, तो डोर्सल फिन जो है ये नंबर में दो रहता है, यहाँ पर और एक डोर्सल फिन रहेगा. पर ये फिश में क्या रहेगा खासियत
यहाँ पर इसका आई है, छोटा छोटा दो आई रहेगा ठीक। और किडनी शेपेड, ये फिश में क्या रहेगा, जस्ट आई के नीचे यहाँ पर क्या रहेगा, किडनी शेपेड दो इलेक्ट्रिक ऑर्गन आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। एंड दिस इलेक्ट्रिक ऑर्गन हैव द अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक। तो ये कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकता है बच्चों, ये करीबन 8 से 220 वोल्ट तक, 220 वोल्ट तक क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकता है, जो एक छोटा या थोड़ा सा बड़ा फिश, इससे भी बड़ा फिश को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है ठीक। तो ये किसके लिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन ये फिश में रहने लगा, ये भी हमको जानना चाहिए। इट इज फॉर योर प्रोटेक्शन एंड डिफेंस एंड फॉर कैप्चरिंग ये इट्स प्रे। बात समझ में आ गया। तो इसका नाम क्या है, टॉर्पेडो। और टॉर्पेडो को कॉमनली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक रे ठीक। ये बात आप याद रखना बच्चों। यहां पर एक और एक फिश है जो बड़ा अनोखा फिश है, जिसका नाम क्या है, ट्राइगोन ठीक। एंड ट्राइगोन हैव पॉइजनस स्पाइन, पॉइजनस काटा होता है, एक मतलब जहरीला काटा होता है ठीक। तो ये फिश भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा ही देता हूँ ठीक, क्योंकि कोई ना कोई समय ये आपको काम में तो आ ही जाएगा। ये देखिए, ये जो है फिश है राइट, ये साइड में जो है इसका फिन है ठीक, इसका फिन है और मेन बॉडी ये वाला है इसका, इसको बोलते हैं पेक्टोरल फिन ठीक। अब यहाँ पर एक अनोखा कैरेक्टर क्या है, ये जो फिश है इस तरह का रहता है ठीक, इस तरह का, हाँ इस तरह का रहेगा ये फिश। और यहाँ पर इसका क्या रहेगा, दो आंखें रहेगा, इस तरह सा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पर ये जो है इसका टेल है, टेल TAIL, और टेल में क्या रहता है, यहाँ पर मैंने बताया था पॉइजनस स्पाइन, क्या रहता है बच्चों, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, पॉइजनस स्पाइन। ये अगर किसी को घुसा दिया तो क्या है, उसका मौत पक्का है। तो ये भी क्या है, फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कैप्चरिंग देयर प्रे। तो इस तरह का क्या होता है, ये ट्राइगोन होता है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टिंगरे, STING, स्टिंग रे। ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर दो फिश बताए मैंने, टॉर्पेडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है इसका प्रोटेक्शन के लिए और प्रे कैप्चरिंग के लिए, जिसको क्या बोलेंगे, कॉमनली बोलेंगे इलेक्ट्रिक रे। एंड ट्राइगोन को क्या बोलेंगे, इसके पास पॉइजनस स्पाइन होता है तो इसको बोलेंगे कॉमनली स्टिंग रे राइट। और एक खास कैरेक्टर बच्चों आपको ये याद रखना ही चाहिए, जैसे कि मेल ऑफ कॉन्ड्रिक्टिस, मेल वी आर ए वेरी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, मेल वी आर क्लास्पर, CLASPER क्लास्पर, दैट इज यूज इन कॉपुलेशन। तो मेल क्या बियर करता है, क्लास्पर, ये एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है ठीक। मेल बियर करता है क्लास्पर एंड इट इज यूज फॉर व्हाट, कॉपुलेशन, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए एक क्लास्पर यूज होता है। और क्लास्पर खाली किसके पास रहता है बताइए, क्लास्पर सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहता है, मेल के पास ही रहता है राइट। तो देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एक फिश, मेल फिश मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ राइट। ये मानिए कि ये एक मेल फिश है, इसका गिल है और यहाँ पर फिन वगैरह मैं उतना अच्छे से दिखा नहीं रहा हूँ ठीक है, फिर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ राइट। ये तो इसका क्या होता है, क्लास्पर होता है ठीक। क्लास्पर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर,
ये मानिए कि इसका क्लासिफायर है, और ये खाली मेल में रहता है, मतलब ये जो बॉडी है ये क्या है, मेल ऑर्गेनिज्म, और इसके फीमेल के साथ क्या होगा, फीमेल के साथ इसका कोपुलेशन हो जाता है, ठीक। तो ये मानिए कि क्या है, फीमेल का बॉडी है ये, राइट, ये फीमेल है, ठीक। तो फीमेल को थोड़ा सा और पास में बनाता हूँ मैं सुविधा के लिए, इसका एब्डोमेन है, ठीक, राइट, ऐसा हाइपोथेटिकली ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लासपर जो है ये फीमेल में क्या होगा, इंसर्ट करा देगा, फीमेल में इंसर्ट करा देगा, ये इसका वेजाइना है, वेजाइना का काम करेगा, और ये जो क्लासपर है, क्लासपर इट इज एक्ट लाइक पेनिस, CLASPR, क्लासपर, खाली मेल में रहेगा, और ये क्या है आपका, फीमेल है, राइट, ये जो फीमेल है और ये फीमेल है, फीमेल है और ये मेल है, तो ये क्या होगा, क्लासपर के थ्रू यहाँ पर स्पर्म ट्रांसफर कर देगा, क्या ट्रांसफर करेगा बच्चों, मानिए कि ये क्या है, इसका डक्ट है, इसमें स्पर्म ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर स्पर्म ट्रांसफर करेगा, ठीक। तो ये जो फीमेल में ये जो पाउच है, ये पाउच को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुलेरियन डक्ट, क्या बोलेंगे बच्चों, मुलेरियन डक्ट, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा, और दूसरा यहाँ पर क्या है, देखिए अगर अंदर स्पर्म को एक्सचेंज हुआ फीमेल बॉडी के अंदर, तो इसका फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चों बताइए, फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, राइट, एंड मोस्ट ऑफ देम आर मैराइन एंड फ्रिडेशियस, ठीक, मोस्ट ऑफ देम आर मैराइन, मैराइन एंड प्रीडेशियस, मतलब ये क्या रहता है, शिकारी रहता है, प्रीडेटरी, प्रीडेटोरी या प्रीडेशियस, बहुत जबरदस्त शिकारी रहता है। अब हम लास्ट पार्ट में आके क्या देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कोंड्रिक्टिस, राइट। तो देखिए पहले मैं एक बार बता चुका हूँ आपको, स्कोलियोडॉन, SCOLEODON, स्कोलियोडन मतलब क्या है, ये साइंटिफिक नेम है, इसका नाम है शार्क, SHARK, शार्क। तो स्कोलियोडन को कॉमनली क्या बोलते हैं, डॉग फिश, ये याद रखिएगा, डॉग फिश, ठीक। और ये मैंने यहाँ पर स्कोलियोडन ही ड्रॉ करा, शार्क ही ड्रॉ करा, राइट। दूसरा कुछ और एग्जांपल बताएंगे आपके लिए, जिसका नाम टॉर्पेडो, ऑलरेडी बताया टॉर्पेडो, टॉर्पेडो को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे, ठीक, कॉमनली। दूसरा ट्राइगन बताया, ट्राइगन, ट्राइगन को कॉमनली क्या बोला गया बच्चों, ट्राइगन को बोला गया स्टिंग रे, इसके पास पॉइजनस स्टिंग होता है ना, STING, स्टिंग रे, ठीक। उसके बाद कुछ और एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए छोड़ के जाएंगे, जिसका नाम है काइमेरा, थोड़ी देर पहले बताया था कि काइमेरा में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या रहता है, काइमेरा में ऑपरकुलम रहता है, पर कोई भी यहाँ पर जो फिश है कॉन्ड्रिक्टिस में यहाँ पर ऑपरकुलम नहीं रहता, राइट, CHIMERA, काइमेरा। और हर एक ये जो एग्जांपल है ना बच्चों, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और काइमेरा को कॉमनली क्या बोलते हैं, रैबिट फिश, रैबिट फिश, काइमेरा इज कॉमनली कॉल्ड व्हाट, रैबिट फिश। उसके बाद और एक फिश बताएंगे, जिसका नाम क्या है, ज़ाइगाइना, क्या नाम है बच्चों, ज़ाइगाइना को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैमर हेडेड शार्क, हैमर हेडेड शार्क, मतलब इसका हेड कैसा रहने वाला, ये जो शार्क है इसका शेड रहे, हेड रहेगा हैमर शेपेड। देखिए मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ आपके लिए, ठीक, ये मानिए कि शार्क है, ठीक। और यहाँ पर
देखिए हैमर जैसा दिख रहा है, ये इसका आई है, आई है, और ये हैमर शेपेड, और ये इसका लेटरल लाइन, ये इसका डोर्सल फिन, डोर्सल फिन, यहाँ पर ये वेंट्रल फिन, वेंट्रल फिन, जस्ट मैंने राफली ड्रॉ कर दिया। तो ऐसा रहता है हैमर हेडेड शार्क। देखिए हैमर जैसा, हथौड़ा जैसा इसका माथा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हैमर हेडेड शार्क, जिसका साइंटिफिक नेम जाइगोइना। ठीक, और लास्ट एग्जांपल बताएंगे जिसका नाम है प्रिस्टिस। क्या नाम है बच्चों? प्रिस्टिस। तो प्रिस्टिस का जो मतलब माउथ पोर्शन में एक स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पर सॉ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब सॉ तो आपने देखा होगा जैसे ऐसे ऐसे लकड़ी वगैरह काटते हैं, तो इसलिए प्रिस्टिस को क्या बोला गया, सॉ फिश, सॉ फिश। ठीक, तो ये इट इज ऑल अबाउट कॉन्ड्रिक्थिस एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बच्चों, बाय।